नमस्कार दोस्तों, एमडी टेक्निकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास में एक वॉशिंग मशीन की स्पिनर मोटर सुधारने के लिए आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मोटर, जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो इसका नाम है जेजिंग जेम्बो मोटर, ठीक है। और ये है 1 इंच स्टेटर, जंबो है, आपने देखा होगा जंबो मोटर का स्टेटर है ये, तो 1 इंच ही होगा। और इसके अंदर जो स्लॉट हैं वो बराबर ही बराबर वाले हैं, दो बड़े और दो छोटे वाले स्लॉट नहीं हैं इसके अंदर, जैसे नॉर्मल स्पिनर मोटरों में आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्लॉट हैं एक जैसे ही हैं। आज इसकी वार्निंग की जाएगी, तो वार्निंग कैसे होगी आज की इस वीडियो में पूरा डाटा बताऊंगा मैं। ये बनेगी कॉपर से, ठीक है। और इसे हम सबसे पहले इसमें जो पेपर है वो डाल लेते हैं, और उसके बाद में रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल का डाटा बताऊंगा मैं कि हमें कौन सा गेज नंबर इसमें जाएगा। दोस्तों हमने इसमें पेपर डाल दिए हैं, और अब हम इसकी कॉइल के लिए नपती लेंगे, क्योंकि इसकी जो कॉइल है लंबी बनती है। और आपको पता होना होगा कि इसमें एक बार और दो बार कॉइल डाली जाती है, तो हम इसमें 30 नंबर कापर वायर से कॉइल बनाएंगे। तो हम इसकी नपती ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मशीन जिससे हम इस मोटर के लिए कॉइल बनाएंगे। तो हमने जो नपती ली थी वह हमने इसमें सेट कर दिया है। और करना क्या है, जैसे कि हमने नपती ली, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस हमने नपती ली और ये वायर है, हमने एक निशान लगा दिया था, इस वायर को लेना है। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक निशान है, इस जगह ये निशान है, इस निशान से हमारा जो नपती ली थी इन दोनों को मिलाना रहता है, और इसे कसना रहता है, ठीक है। इसे कस देंगे मिलान करके, थोड़ा सा दूरी होना चाहिए इसमें। तो हम अब इसकी कॉइल बना लेते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो कॉइल है, हमने एक कॉइल बना ली इसकी, और इसमें 120 टर्न हमने कॉइल में दिए हैं, और प्रत्येक कॉइल 120 टर्न की ही बनेगी, और गेज नंबर वायर रहेगा 31 नंबर कॉपर वायर।
दोस्तों हमने ये स्टार्टिंग कॉइल बना ली है और ये जो वायर गेज है 31 नंबर वायर गेज है, इसमें हमने टर्ने लिए हैं 130 टर्ने लिए हैं, प्रत्येक कॉइल में 130 टर्ने हैं। ये चार कॉइल बनाई है तो इसे हम इस में डालते हैं। इसमें हमने रनिंग में 120 टर्ने लिए थे प्रत्येक कॉइल में और उसमें हमने 130 टर्ने लिए हैं। तो दोस्तों ये जो डाटा है ओरिजिनल डाटा है इस मोटर का। दोस्तों हमने हमारे जो स्टेटर है उसमें हमने अब सारे रनिंग और स्टार्टिंग वायर भर लिए हैं, वाइंडिंग कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से चार वायर निकल के आते हैं, दो स्टार्टिंग के दो रनिंग के। तो हमें दोस्तों इसमें तीन वायर में इसे बनाना है। तो इसमें तीन वायर में बनाने के लिए सबसे पहले हम इस वायरों को जलाएंगे ताकि इसका जो इंसुलेशन ऊपर से जो कवर है वो निकल जाए। उसके बाद हम इस एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का वायर लेंगे ताकि हम दोनों को आपस में मिला सकें।